कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? तुम कौन हो? तो तुम यहाँ के कोई रेंटर हो? हाँ, पर तुम? मैं राइना, यहाँ की रेंटर, और बाजू वाला कमरा मेरा है। खाना तुमने बनाया, टेस्टी है। हाँ, पर तिवारी जी ने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया, या फिर कोई और आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। जानती हूँ, वो कमीना क्यों बताएगा? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, और तुम्हें पता नहीं, मुझे कुछ टाइम से काम नहीं मिल रहा, तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी निकल जाती हूँ और रात को देर से घर आती हूँ, ताकि वो तिवारी मुझे देख नहीं पाए। तो मैंने तिवारी को ये बता के रखा है कि मेरी मम्मी बीमार है और मैं गांव में रहती हूँ, तो उस वजह से थोड़ा मुझे टाइम मिल गया है रेंट देने का, तो इस वजह से वो मुझे कुछ कहता नहीं है। हाँ, पर उसे मुझे बताना तो चाहिए था तुम्हारे बारे में। मैं उसे फोन करता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, वरना वो मुझे धमकी देगा और मेरे सर से छत चली जाएगी। प्लीज ऐसा मत करना। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं जानते इस मुंबई शहर में सर छुपाने की जगह कितनी महंगी है, खासकर हम स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के लिए? और अगर वो लड़की हो तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, और इस शहर में कुत्तों की तरह हम लड़कियों पर तो टूट पड़ते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। मैनेज कर लूंगा सर। ओके, प्लीज वैसे मेरा स्टाफ रहेगा। आप टेंशन मत लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो फोन कर लेना। मैं मैनेज कर लूंगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये रैना जी के लिए, मेरी तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे बोल देना। क्या है इसमें? केक सर। ठीक है, थैंक यू सर। रैना का बर्थडे? मुझे पता ही नहीं। ओके, चलो मैं विश करता हूँ। इतना अंधेरा क्यों है? Happy birthday to you, happy birthday to you। तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? वो ना, आज सुबह तुम्हारी फ्रेंड ने केक भिजवा था किसी के हाथ से, मुझे पता चल गया कि आज तुम्हारा बर्थडे। ओ श्वेता, मेरी बचपन की फ्रेंड, कभी नहीं भूलती मेरा बर्थडे। सीरियसली, आई मिस हर लॉट।
और क्या है ना, इस वक्त तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड हमारे साथ नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की फैमिली और फ्रेंड बन जाएं? रायमा, seriously thank you so much. अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं और तिवारी से डरने की जरूरत नहीं. क्या मतलब, समझी नहीं. तिवारी का फोन आया था, वो दो दिन के लिए कहीं बाहर गया है. जैसे वो लौटेगा मैं उसे रेंट के सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हें अपने साथ रखूंगा. पर क्यों, इसकी क्या वजह? मैं तुम्हें चाहने लगा हूं. जब से तुम्हें देखा है बस दिल में कुछ कुछ हो रहा है. मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज. ओहो, क्या कर रही हो मैडम आज किचन में? ब्रेकफास्ट बना रही हूँ. ब्रेकफास्ट मेरे लिए? आप जाके हॉल में बैठिए, मैं लेके आती हूँ. आ जाओ, साथ में खाना खाएंगे. अरे यार, वो तिवारी होगा. तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ, तुम टेंशन मत लो. ठीक है, तुम आओ हॉल में. ओके. अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे आना हो यहाँ? क्या आप ही मिस्टर अमन खन्ना हैं? जी जी, बताइए. आप इस बंगले के नए रेंटल हैं ना? जी हाँ हाँ, मैं ही हूँ. मैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ. ओहो हो, तिवारी जी ने बताया था मुझे कि आप एग्रीमेंट वेरिफिकेशन के लिए आओगे. आइए आइए, बैठिए बैठिए. ओके. आप अपनी आईडी दिखा सकते हैं? जी हाँ जरूर. थैंक यू. हाँ, मुझे तिवारी जी ने बताया था कि आप आने वाले हो घर के वेरिफिकेशन के लिए. ओके, आप यहाँ साइन कर देंगे? जी बिल्कुल. क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? कहीं देखा इस लड़की को? क्या किया इसने? कुछ महीने पहले इस लड़की ने टी हॉल में पंखे से लटकी हुई मिली थी. ये सुसाइड है या मर्डर? पुलिस उसकी छानबीन कर रही है. इस बंगले में बहुत दिनों बाद कोई रहने आया है, इसलिए मैं सोचा जरा पूछताछ कर लो. ड्यूटी है, निभानी तो पड़ेगी ना, फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी पड़ेगी. हाँ ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ठीक है. ओके ठीक है, मैं चलता हूं. जल्दी निकल जाती हूँ और रात को देर से घर आती हूँ ताकि वो तिवारी मुझे देख नहीं पाए. टूट कर बिखरा था मैं, रूट कर चली गई थी वो. कई सालों का रिश्ता मीठी चटनी की तरह उड़ गया.